नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आखिर मुसलमान कितना जज्बाती है, क्यों है इतना मुसलमान जज्बाती? मैं खबर आपके सामने लेकर आया हूं और थोड़ा गुस्से में भी हूं इस वक्त, क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं। रागिनी तिवारी की मौत की खबर पिछले कई घंटों से लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या कन्फर्म है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग खुल्लम खुल्ला लिख रहे हैं कि रागिनी तिवारी भी चल बसी, अल्लाह एक एक करके सबसे हिसाब ले रहा है। अरे भाई मान जाओ, रागिनी तिवारी अभी जिंदा है। वो जिस इलाके में रहती हैं, वो जगह का नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सूत्रों से और मेरे कुछ साथी पत्रकारों से ये बात हो चुकी है कि वो जिंदा है, ठीक है, अपने घर पर मौजूद है। लेकिन आप लोग हैं कि ना जाने कहां से एक पोस्ट आप लोगों ने उठाई और लगातार शेयर पे शेयर करते जा रहे हैं। अरे संभल जाइए। एक तरफ कुछ लोग हैं जो आपको शहाबुद्दीन के नाम पे टारगेट कर रहे हैं कि गया एक, दूसरी तरफ आप लोग रोहित सरदाना जी की कल मौत हुई, वो एक पत्रकार थे, वो चाहे जो विचारधारा रखते हो लेकिन एक जाने माने न्यूज़ चैनल के एंकर थे और दुनिया भर में एक नाम रखते थे, उसकी मौत पर भी आप लोगों ने तमाम तरह की लफाजी लिख कर नीचे और वो शेयर की। आपकी अपनी उनसे जो भी ईर्ष्या है, जो भी द्वेष है, वो आपकी एक कहानी अलग है, लेकिन किसी की मौत पर आप लोग इस तरह से मजाक ना उड़ाएं। दूसरी बात, मैं रागिनी तिवारी की खबर आपके सामने जो लेकर आया हूँ, इस पर कई घंटों से मैं देख रहा हूँ लगातार कई सारी पोस्ट शेयर की जा रही हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया पर कुछ पेज के नाम आपको बताऊं, गौर अवानी ये लिख रहे हैं कि रागिनी तिवारी डाइज ड्यू टू कोविड, यानी रागिनी तिवारी कोविड के कारण मारी गई, कोरोना से मर गई, इनका ये कहना है। दूसरा एक पेज पर और शेयर हो रहा है जिसमें कोई राजीव पांडे नाम की आईडी से ट्वीट हुआ, हो सकता है फर्जी भी हो, जिसमें उन्होंने लिखा है दिल्ली दंगा याद है तो रागिनी तिवारी भी याद होगी, यही है ये भी गई, ईश्वर चुन चुनकर बुला रहा है, ओम शांति ओम। और दो तीन लोगों को टैग किया इसने, 30 अप्रैल 2021 का ये टैग उसका, ये जो पोस्ट है वो दिख रहा है। लेकिन आज सुबह से लगातार रागिनी तिवारी के आप लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अभी ये पब्लिसिटी स्टंट उनका खुद का है या कोई जानबूझकर उन्हें बदनाम कर रहा है, उनकी मौत की झूठी खबर फैला रहा है, इस पर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। लोग जिंदा है, उनकी मौत की खबर लगातार वायरल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, रागिनी तिवारी को कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है इस तरह की। और आपको ये भी बता दूं कि रागिनी तिवारी कौन थी और क्यों चर्चा में आई थी। देखिए रागिनी तिवारी, आप लोगों को पता होगा कि 23 फरवरी 2020 जब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे एनआरसी सीए को लेकर एक प्रदर्शन चल रहा था, उस दौरान वो वहाँ ही कई सारे और हिंदूवादी संगठन वहाँ पर आए, जिसमें उन्होंने नारेबाजी की, कुछ वीडियो में वो पत्थरबाजी करती हुई नजर आ रही हैं और नारे लगाती हुई नजर आ रही हैं, खुद को जान की बहन कहती हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि मारो, मार डालो, काट डालो, मोटे मोटे डंडे लाओ, ये लाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की आज तक, या उनसे पूछताछ हुई नहीं हो, ये एक अलग सवाल है, ये पुलिस की जाँच का विषय है। लेकिन आप लोग इतने जज्बाती होकर कि आप लोगों को इससे ऐसी किसी शख्स की खबर सुनने को मिले जिसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला हो या मुसलमानों के खिलाफ कोई बात कही हो, आप लोग उससे इतनी घृणा आप लोग भी करने लगे, आप लोग भी उसी कैटेगरी में आकर खड़े हो गए कि लगातार शेयर पे शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जिस इलाके में रहती हैं मैं उस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे काफ़ी सारे साथी पत्रकार वहाँ के मौजूद हैं मेरे साथ, जो साथ काम करते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की रागिनी तिवारी अभी फिलहाल जिंदा है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, रागिनी तिवारी जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। आप लोग ये बिना बात की पोस्ट शेयर पे शेयर मत कीजिए, रोकिए इसे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस तरह की जज्बाती चीजें ना करिए, खुदा के वास्ते ना कीजिए। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।